आप लोग के साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। ये टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ये टॉपिक कौन सा है? टाइम एंड वर्क। इसको बोलते हैं कार्य, समय एवं कार्य। समय एवं कार्य। आप लोग को क्या करते हैं कि क्वेश्चन में दे देते हैं कि इसे समय दे देते हैं, काम पूछते हैं, इनका इफिशेंसी निकालने के लिए पूछ देंगे, कभी वर्क निकालने के लिए दे देंगे कि इसे इफिशेंसी दे देंगे, समय दे देंगे, और जो है ना उसका वर्क पूछ देंगे कि इसे वर्क कितना होगा। इन सब सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ जाननी होगी, वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशेंसी। टाइम इंटू इफिशेंसी, यही टाइम निकालते हो तो क्या होगा कि वर्क अपॉन इफिशेंसी। वर्क अपॉन इफिशेंसी, इफिशेंसी निकालते हो तो वर्क अपॉन टाइम। ये चीज आप ध्यान रखना कि इसे यदि आपको पूछ दे कि इसे वर्क निकालने के लिए, तो आप सीधा करना कि टाइम से इफिशेंसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क निकलता है। टाइम पूछ दे तो यदि वर्क दिया हुआ है, इफिशेंसी दिया हुआ है, टाइम पूछ दे तो वर्क को इफिशेंसी से डिवाइड करोगे तो टाइम निकाल लेंगे। फिर इफिशेंसी यदि पूछते हैं तो वर्क को टाइम से डिवाइड करते हो तो आपको इफिशेंसी मिलता है। एक चीज़ और आप लोग याद रखना कि M1 H1 D1 अपॉन W1 R1 इजकल टू M2 H2 D2 अपॉन W1 W2 R2। ये फॉर्मूला आप लोग को सारे प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे W1 क्या है? वर्क है। D1 क्या है? डे है। R1 रेट है। M1 इफिशेंसी है, काम देगा, ये चीज़ इफिशेंसी देगा। तो इनको आपको हमेशा याद रखना, M1 H1 D1 अपॉन W1 R1 इजकल टू M2 H2 D2 अपॉन W2 R2। इसी पे सारे फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है टाइम्स एंड वर्क का। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि इसे ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, दोनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम के आ जाएंगे कि 20 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो 60 एलसीएम आ रहा है। तो 60 है वर्क, एलसीएम जो लोगे ये वर्क निकलता है। यदि आपको वर्क मिल चुका है, काम मिल चुका है, तो इफिशेंसी सीधे से निकालोगे तो ए का इफिशेंसी आ जाएंगे कि इसे 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आएंगे। ये इसके बाद बी का इफिशेंसी निकालोगे तो बी एक दिन में 15 काम करते हैं, टोटल वर्क 60 है, तो इसका इफिशेंसी निकालोगे तो 15 × 60 = 4। टोटल इफिशेंसी यदि ये इफिशेंसी है तो टोटल इफिशेंसी निकालोगे तो 4 × 3 = 7, ये क्या है कि टोटल इफिशेंसी है और टोटल वर्क है हमारे पास 60। तो टाइम निकालने के लिए क्या कितना लगेंगे, ए और बी का वर्क कितना लगेगा, तो 60/7, ये इतना डे लगेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 20 डे में करते हैं। ए एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 20 डे में करते हैं, दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इन दोनों का फिर वही करेंगे कि एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएंगे, 20 और 10 का 20। ये 20 क्या है, वर्क हमको निकल के आ रहा है। ये क्या निकला है, वर्क निकला है। तो वर्क मुझे मालूम है तो इफिशेंसी हम निकाल सकते हैं। ए का इफिशेंसी मेरे पास कितना आ जाएंगे कि इसे 20 / 10 = 2,
बी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा? 1। टोटल एफिशिएंसी कितना हुआ? 3। एफिशिएंसी मुझे मालूम है, वर्क मालूम है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क है 20 डिवाइडेड बाय 3, 2/3 दिन, ये आंसर होगा। इसके बाद आप लोग को दे रहे हैं एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाना है कि इस ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, इन दोनों का निकाल के बता। तो वो है क्या कि ए का जो है ना काम 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, दोनों मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो फिर वही करेंगे कि एलसीएम इन दोनों का ले लेंगे। एलसीएम जो है ना 15 और 6 का जो है ना निकलेगा कितना? 90। 30 ले लो, 30। तो अब इसका ए का एफिशिएंसी क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाय 6, 6×5=30 यानी 5। और बी का एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ जाएगा? तो 30 डिवाइडेड बाय 15, एफिशिएंसी आ जाएंगे 2। तो टोटल एफिशिएंसी मेरे पास 7 आ रहा है। वर्क कितना है मेरे पास? ये क्या है? वर्क मेरे पास 30 है और जो है एफिशिएंसी मेरे पास 7 है। तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क 30 डिवाइडेड बाय 7, 7×28 2/7 दिन, ये चीज आ रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि इसे काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वो प्रॉब्लम आप लोग को मिलेंगे कि इसे एक इसका पीडीएफ मिल जाएंगे क्वेश्चन का, तो वो पीडीएफ से जो है ना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।